गाइज राधे राधे, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवरीटू आइटम में। आज ना मैं जो राधा कृष्ण की जोड़ी होती है ना, उसमें से कान्हा जी की पोशाक बनाना बता रही हूँ कि कैसे बनानी है। ये देखिएगा, मैंने अपने गोपाल जी को पहना के रखी है, इनकी वो कुर्ता बनाते हैं, धोती तो मैंने फ्रॉक टाइप में फ्रॉक और धोती बनाई है। तो ये कैसे बनाना है वो मैं बता रही हूँ। ये देखिएगा, मैं 4x4 के 2 पीस लिए हुए हैं और उसका ऊपर का जो हिस्सा होता है एक साइड का कोना, वो मैंने कट कर दिया है। ये देखिएगा, कट करके मैंने 2 पीस रख लिए हैं। और ये देखिएगा, ये 2 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई देखिएगा 18 इंच है, जो मैंने फ्रॉक के लिए लिया हुआ है। 9 इंच का एक, 2 इंच का एक और टुकड़ा है। और इसमें मैं क्या करूँगी, दोनों किनारे में सिलाई लगाने के बाद मैं एक साइड इसमें गोटा लगा दूँगी। ये देखिएगा, मेरे पास थोड़ा सा रखा था तो मैंने ये लगा दिया पीले कलर का, और चुन्नट डाल के मैंने इनमें ऐड सिल लिया दोनों साइड से इधर उधर। और ये मैं जो मैंने नेफा के लिए लिया उसे मैं इसमें लगा दूंगी। ये मैंने चोली के लिए लिया हुआ है 8 इंच और 2 इंच चौड़ाई, तो मैं डबल करके इसे सिलाई लगा दी है। और मैं इसे बीच में से कट कर ले रही हूँ और इसमें बीच में मैं इसमें सिलाई लगा दूंगी 1 इंच की, ऐसे उल्टा करके इसमें सिलाई लगा दूंगी मैं। और ये देखिए, मैंने इसमें बीचों बीच ऐड कर दिया और इसमें पलट के, और ये डोरी बांधने के लिए भी हो जाएगी और उसके लिए भी, तो मैं इसमें सिलाई लगा दूंगी। और ये देखिए, चुन्नट प्लेट में डाल रही हूँ इसमें पास पास में एकदम से। और ये मैंने इसमें नेफा ऐड कर दिया है पहले, फिर मैं इसमें चुन्नट डाल के सिलाई लगाऊंगी। ये देखिएगा, और ये डोरी भी इसी में आ गई तो ये बांधने के काम भी आ जाएगी। देखिएगा, मैंने इसमें सिलाई लगा दी, आप चाहो तो डबल करके लगा सकते हो, मैंने सिंगल करके इसमें सिलाई लगा दी। और ये हमारी धोती बन के रेडी हो गई, और बीच में भी थोड़ी सी सिलाई लगा दी थी। अब मैं इसमें जो मैंने फ्रॉक बनाई थी उसके लिए मैं चुन्नट डाल रही हूँ फैब्रिक में। ये देखिए, मैं चुन्नट डल गई हूँ। और मैंने जो चोली बनाई थी ना ये, और इसे बीचों बीच और इधर उधर के दोनों साइड इसी में ऐड कर दूंगी मैं ऐसे करके इसे, और ये वाला इधर से और वो वाला उधर से, तो इसे मैं ये सिलाई लगा दे रही हूँ। देखिएगा, रख लिया मैंने और ये एक साथ पूरे में सिलाई लग गई है हमारी, और ये सिलाई लग के तैयार हो गया है। डबल सिलाई लगा दी और थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसे मैं कट कर दूंगी। और ये देखो, मैंने सीधा कर लिया है इसे, ये फ्रॉक बन गई है और वो धोती। तो ये लड्डू गोपाल जी को बहुत ही सुंदर लगती है पहनाने में अच्छी। ये देखिएगा, ऐसे करके इसे पहनाते हैं। तो आप लोगों को कैसे रंग लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो पर। राधे राधे।